आज श्रीमद् भगवद्गीता के 15वें अध्याय के श्लोक संख्या 11 को पढ़ेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो भगवान पिछले श्लोक में बता रहे थे कि जो मूर्ख लोग या जो मूर्ख है न तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग करता है, कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह से शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित होती है यह सब कुछ देख सकता है। और आज के श्लोक में बताया जा रहा है कि आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह सब कुछ स्पष्ट रूप से देख सकता है। तो आत्म साक्षात्कार जिन्होंने प्राप्त किया है वो ये सब समझ सकता है, नहीं तो कठिन है समझना। कैसे हो रहा, जैसे आज भी मैं बोल रहा था कि हमने किसने ये सब देखा है, ऐसे बोलते किसने देखा है। तो मैंने उनको कहा कि अभी 15वें अध्याय को पढ़ो तो समझ में आएगा किसने देखा है, सब कुछ कैसे हो रहा है। साक्षात्कार के प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन सब देख सकते, स्पष्ट रूप से देख सकते। लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है वह प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाता कि क्या हो रहा है। जिनके मन विकसित नहीं है ये समझ नहीं पाते क्या हो रहा है, पर वो अगर प्रयत्न भी करे तो वे नहीं देखते क्योंकि उनकी जो बुद्धि है विकसित नहीं है, उनका मन विकसित नहीं हुआ है इसके कारण। अगर अनेक अनेक जो दार्शनिक है आध्यात्मवादी है जैसे प्रभुपाद जी यहाँ पे बात बताते हैं कि अनेक योगी आत्म साक्षात्कार के पथ पर होते हैं लेकिन जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है वह यह नहीं जीव के शरीर में कैसे कैसे परिवर्तन है, विषय यही परिवर्तन। तो यहाँ पे योगी नह शब्द महत्वपूर्ण है। आजकल आजकल ऐसे अनेक तथाकथित योगी है और योगियों के तथाकथित संगठन है लेकिन आत्म साक्षात्कार के मामले में विश्व में जानते वे केवल कुछ आसनों में व्यस्त रहते हैं और यदि उनका शरीर सुगठित तथा स्वस्थ हो गया है तो वे संतुष्ट हो जाते हैं। समझ में तो आध्यात्मिक संगठन होते हुए भी इतने सारे जो संगठन है याद रखना के मार्ग पे
लोगों को ले जा रहे हैं, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता। और ज्यादातर वे स्वास्थ्य, सब लोग को स्वास्थ्य ही चाहिए, सोचते हैं कि हम अगर स्वास्थ्य अच्छा है तो श्वास को या आसन वगैरह जो भी है करा के वो सोचते हैं कि यही आध्यात्म है, स्पिरिचुअल। तो स्पिरिचुअलिटी के नाम पे बहुत सारा जो चीजें हो रही, लेकिन जो मेन पॉइंट है वो पॉइंट को वो नहीं समझ पा। भगवान यहाँ पे हमें बता रहा है कि जिसने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किया वो प्राप्त किया वो देख सकते, मैंने प्राप्त नहीं की वो नहीं देख सकते। ये अंतर है। यद्यपि वे तथाकथित योग पद्धति का प्रयास करते हैं, यतन तो अभी अकृतात्मानं, तो इनको ऐसे कि वे तो संतुष्ट होते हैं और उन्हें इनके अतिरिक्त कोई जानकारी नहीं रहती। तो ये यतन तो अपि अकृतात्मानो कहलाते, यद्यपि वे तथाकथित योग पद्धति का प्रयास करते हैं लेकिन वे स्वरूप प्रसिद्ध नहीं होगा, स्वरूप को नहीं जानते। रियलाइजिंग ऑफ द सेल्फ, और ऐसे व्यक्ति जो है आत्मा के देहांतर को नहीं समझ पाते। तो इस मामले में वो देखें जैसे कि एक कथा है जिसमें चार अंधे लोग थे, वो देख नहीं पाते अपने, तो उनके जीवन में पहली बार जो है उनके सामने यह हाथी अनुभव, और उनको पता नहीं लगा कि हाथी क्योंकि इतना बड़ा है, तो जब वो हाथी को स्पर्श कर रहे थे तो वे उस हाथी को अपने मन से समझने की कोशिश की। तो जो एक व्यक्ति जिसने हाथी के शरीर को स्पर्श किया, उसने कहा कि ये जो है क्या है, ये दीवार है। ये दीवार ऐसी है जो अभी गिरने वाली है, गिर सकती है कभी भी। दूसरा व्यक्ति जो हाथी का जो टस्क है, सूंड है, क्या बोलते हैं टस्क, हाँ, तो स्पर्श कर, वो बोल रहा था कि जो वो बहुत शार्प तेज, ऐसा कि एक प्रकार का भाला स्पीयर का जैसा, वो हाथी ऐसा था। पहला व्यक्ति कह रहा है हाथी मतलब दीवार है, दूसरा व्यक्ति कहता है उसका दांत को स्पर्श करके बोल रहे थे बहुत ही तेज चीज है जो ये हाथी हुआ।
दूसरा जो है उसके सुंड को पकड़ रहा था, देख रहा था। उसने सोचा कि हाथी जो है सर्प के जैसा। चौथा हाथी जो उसके पैरों के पास था और पैरों को स्पर्श कर रहा था, उसने कहा कि नहीं, ना तो दीवार है, ना तो ये कुछ तेज चीज है, ना तो ये सब, ये एक पेड़ है। उस भाग, उस विभाग। पांचवा जो था कान, कान के को स्पर्श कर रहा था, और वो बोला कि इसका कान जो है पंखे के जैसा। छठा व्यक्ति जो था वो हाथी के पूंछ के, और वो बोल रहा है कि ये तो झूलने के लिए एक चीज है, झूलने। तो उसने कहा कि ये तो एक झूलने के लिए है, तो एक प्रकार का रस्सी है, तो आप लोग क्यों समझ नहीं पाते हैं कि एक्चुअली ये रस्सी। तो हर एक व्यक्ति जो है, ये छह जो बंदे थे, वे इस प्रकार से तर्क वितर्क करने लगे। किसी ने कहा कि ये तो दीवार है, किसी ने कहा पंखा है, किसी ने कहा रस्सी है। इस प्रकार से उनका जो है, उनके बीच में ये आर्गुमेंट चल रहा है। उसी समय एक विद्वान व्यक्ति जो वहां से गुजर रहा था, उसने देखा कि ये बेचारे अंधे लोग हैं, उनको कुछ दिख नहीं रहा, उनको समझ में नहीं रहा, ये फिजूल में एक दूसरों के साथ तर्क वितर्क कर रहे हैं, तो चलो मैं उनको मदद करता हूँ ताकि उन लोग को समझ में आए कि ये एक्चुअली हाथी क्या है। और उन्होंने उनको समझाया और उन्होंने बताया कि हाथी क्या है। एक पशु है, बड़ा है, उसका बड़ा शरीर होता है, कान है, नाक है, दांत है, इस प्रकार से पैर है। तो उन्होंने तो ये कहने का अर्थ ये है, इससे हम समझ सकते हैं कि अपनी जो है खुद की प्रयास से हम, क्योंकि हम देख नहीं सकते चीज, हमारी इंद्रियां जो है अपूर्ण है, तो चीजों को अपने बल से हम कुछ समझ नहीं सकते, खास करके इस भौतिक जगत, भौतिक जगत या भगवान नहीं समझ, क्योंकि हमारे में टूटी अपूर्ण इंद्रियां विचलित होने की संभावना, गलतियां करने की संभावना, ठगने की जो है हमारे में जो एक प्रवृत्ति है, इस प्रकार से हम कुछ नहीं देख सकते। तो हम बहुत सारी चीजें नहीं देख सकते हैं या बहुत सारी चीजें नहीं समझ सकते, जैसे कि हम मोबाइल फोन है। अभी मोबाइल फोन किस तरह से चल रहा है, कोई वायर तो नहीं है। और अभी हम सब बैठे हैं, हम लोग एक दूसरों को अनेक अनेक जगह पे हैं, चाहे हम जयपुर में हैं, माता जी केरला में हैं, कोई बैंगलोर में है, तो कोई कहाँ है, पर हम देख नहीं समझ नहीं सकते कि कैसे क्या चीज है जो हम सबको जुड़ के रख रही है, क्योंकि हम देख नहीं सकते उसको। वो क्या है?
वाईफाई, सैटेलाइट कनेक्शन नहीं देख सकते अपने आप, लेकिन उसका प्रभाव हम देख सकते, उसका प्रभाव हम किसी यंत्र के द्वारा हम देख सकते और समझ सकते। तो भगवान को देख पाना, भगवान है और भगवान की शक्ति जो है के कारण सब कुछ चल रहा है, लेकिन हम नहीं देख पाते, हम आत्मा को भी नहीं देख पाते, लेकिन हम आत्मा का अनुभव कर सकते। जैसे हम अनुभव कर रहे हैं, हम एक दूसरों से बात कर रहे हैं यहाँ पे एक जगह पे, पर हम प्रत्यक्ष रूप से एक साथ में बैठे नहीं है, हम अपने अपने जगह में है। उसी प्रकार से जो कुछ भी हो रहा है भगवान की शक्ति से हो रहा है, और जिसकी बुद्धि विकसित नहीं है इसको समझ ही नहीं पा रहा। अभी जिसकी बुद्धि ये भी मोबाइल फोन कैसे चल रहा है, वो नेटवर्क है और नेटवर्क के अनुसार वो जो है हमारे फोन में हम अनुभव कर सकते हैं उसको। तो इसके लिए क्या, ये क्या डिवाइस है? भगवान को समझने का डिवाइस शास्त्र है, शास्त्रों के अनुसार हम भगवान को समझ सकते हैं, नहीं तो नहीं समझ सकते क्योंकि हमारी बुद्धि विकसित नहीं। भगवान की कृपा और हमारी इच्छा से हम सब कुछ देख सकते। तो आत्म साक्षात्कार का ज्ञान जब प्राप्त होता है तब हम जान सकते हैं कि ये कैसे सब हो रहा है, किस प्रकार से शरीर में आत्मा इसी शरीर में आत्मा शरीर बदल रही है, किस प्रकार से मृत्यु के बाद में कहाँ कौन सा शरीर प्राप्त होगा, ये कैसे हो रहा है, तो ये सब। जैसे कि कोई बच्चा नहीं समझ सकता है ना, उसका भी उसकी उसका मन विकसित नहीं है कि मोबाइल फोन कैसा चल रहा है, सच है कि ऑन करो चलता चलता। जैसे कि किसी की बुद्धि नहीं है, वो पंखा, जैसे पंखा चल रहा है, पंखा है, स्विच है, स्विच को ऑन करो चलता है, स्विच को ऑफ करो बंद हो जाए, बस इतना ही जाए। और जब भी पंखा नहीं चलता है स्विच ऑन ऑफ करने के बाद भी, क्योंकि उसकी बुद्धि विकसित नहीं है, उसका ज्ञान पूर्ण नहीं, वो विचलित हो जाता है, रोने लग जाता है। और इसी कारण जो इसी प्रकार से क्योंकि हमारे पास पूर्ण ज्ञान नहीं है इस भौतिक जगत में सब कुछ कैसे चल रहा है, तो हम क्या क्या होता है, कर्षति कष्ट भोगते। तो सब चीज जो है भगवान, जैसे कि इस पंखे का उदाहरण अगर हम ले स्विच का, तीन चीजें हैं जो तीन चार, एक तो है इमीडिएट कॉज, दूसरा है रिमोट कॉज, तीसरा है अल्टीमेट कॉज और चौथा है तो अल्टीरियर। इमीडिएट कॉज क्या है, पंखा का स्विच, और मोस्ट जो भी जितने भी लोग हैं वे बस ये इमीडिएट कॉज को ही देखते, उसके आगे नहीं देख पाते और अल्टीरियर तो नहीं देखते, रिमोट शायद। पर जिसकी बुद्धि विकसित है वो जान सकता है कि इस बटन को अगर दबा के वो ऑन नहीं है तो इसके साथ जुड़ा हुआ बिल्डिंग का जो मीटर बॉक्स है जहां से ये लाइट एक्चुअली अपने यहां आ रही, तो अगर नहीं चल रहा है तो वो देखेगा।
अगर वहां जाके भी देखते हैं कि सब उसको कहते हैं क्या बोलते हैं उसको, रिमोट कॉज, और उसके आगे अगर सब कुछ ठीक है तो वो अदानी है, अदानी से लाइट आ रहा है तो वहां वो क्या है, अल्टीमेट, मतलब वो वहां से एक्चुअली अल्टीरियर क्या है, प्रकृति, और प्रकृति के आगे कौन है, भगवान। तो जिस जिसको ये पूर्ण, इसको कहते हैं पूर्ण ज्ञान, जो कोई एक साधारण बच्चा भी समझ सकता कि सबसे, हाँ, कारणों के कारण, ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद अनादिरादि सर्व कारण कारणम, सर्व कारणों के कारण भगवान। जैसे कि ट्रेन चलती है, ट्रेन का इंजन है वो ही अल्टीरियर कॉज, इमीडिएट कॉज बोगी चल रही है, उसके आगे दूसरी बोगी खींच रही है, उसके आगे ऐसे ऐसे करके इंजन चल रहा है और गाड़ी आगे बढ़ रही है। तो खींचने वाला इंजन है और उसके अंदर ड्राइवर है, और ड्राइवर चला रहा है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं, जिसकी बुद्धि विकसित, ज्यादातर लोग हो रहा है, चल रहा है, जिंदगी जी रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, ये बस उनमें जेटी में जेटी, कभी जो सामने है वो ही दिखता है, आगे का नहीं दिखता है। इसीलिए हम इस भौतिक जगत में भी एक दूसरों को जो है पहचान नहीं पाते, क्योंकि हम इमीजिएट, किसी ने, कोई आर्टिस्ट है वो बहुत अच्छा डिजाइन बना, हम डिजाइन को देखते, उसके पीछे नहीं देखते कि उसने कितना समय लगाया, नहीं सोचते कि कितना समय लगाया उसने, उसके लिए उसको क्या क्या तैयारी करनी पड़ी, उसका विचार, थॉट प्रोसेस, उसका क्रिएटिविटी, ये उसके लिए आर्टिस्ट लोगों का कोई, उन लोग का कोई ये समझ ही नहीं पाता, उनका वैल्यू लोग बस लेके बस बैठ गए, देख के खुश हो गए, इन जो जिसकी बुद्धि विकसित वो जानता है कि अरे हाँ इसमें तो कितना एफर्ट गया है, इसमें इतना, तो हर चीज में जो सामने दिखता है वो इतना, जैसे कोई गाता है, नाचता है, इन सब चीजों उसमें कितना सालों का उनका तैयारी है, तो उनका इस प्रकार से हम, हमारी बुद्धि ऐसी है कि जो हम जिस सोच चीज को देखते, तो इसी प्रकार से हम जो इस भौतिक जगत में जो है भगवान, जो सुप्रीम आर्टिस्ट है, उनकी जब हमारी बुद्धि विकसित होगी तो कुछ भी देखेंगे तो हम भी देखेंगे कि वाह मेरे भगवान, आप कितने परम है कि आपने इस फूल के अंदर सुगंध डाल, कोई डाल सकता है सुगंध फूल के अंदर, किस प्रकार से ये भगवान की सृष्टि को हम अप्रिशिएट, और जब हम इस प्रकार से हमारी दृष्टि हो जाती है कि हम इस सृष्टि में जो कुछ भी ये मटेरियल नेचर को देखते हैं, भगवान सुंदर जो
luce, e Varuna Dei, Chandrama, e Sundar Sundar चीजें, सुंदर सुंदर पक्षी, अनेक प्रकार के पक्षी, हर एक जो कीटाणु भी है, छोटा सा चीटी को भी हम देखते हैं वो कैसे चल रहा है, कैसे कार कर रहे, भगवान कैसे, और आत्मा कितनी छोटी कि इस चीटी के अंदर भी हो, तो हम देख सकते और हम अप्रिशिएट कर सकते हैं, और भगवान को इस प्रकार से हम सब जगह देख सकते हैं, भगवान का हाथ, भगवान की कला। तो भक्ति ही एक मार्ग है, दूसरा कोई मार्ग नहीं। तो यहाँ पे प्रभा जी बताते हैं कि केवल वे ही ये सभी बातें समझ पाते हैं जो सचमुच योग पद्धति में रमते हैं और जिन्हें आत्मा, जिन्हें आत्मा जगत तथा परमेश्वर की अनुभूति हो चुकी है, आत्मा और जगत की अनुभूति, क्योंकि इस जगत में हम जो चीज देखते हैं, क्योंकि हम देख रहे प्रत्यक्ष रूप से, तो जगत में हम देखते हैं जैसे कि हम ये सुगंध को नहीं देख सकते फूल के अंदर, या मूंगफली में हम तेल को नहीं देख सकते ना। कुछ दिन पहले ऐसे हुआ कि मूंगफली को मिक्सर में डाला गया, मिक्सर में डाला गया तो इसके कारण, क्योंकि हम समझ नहीं कि हम देख नहीं सकते, नेचुरल है कि मूंगफली के अंदर तेल है, कौन देख रहा है, नहीं देख पाते, तो मिक्सर में डाल दिया, तो अगर ज्यादा उसको मिक्सी में ज्यादा डाल दिया तो गीला हो जाएगा, तो तर्क वितर ये हुआ था कि इसमें मिक्सर के अंदर पानी था, ये पानी नहीं, पर वो बोल रही है कि नहीं मैंने तो उसको साफ किया था, तो ये पानी कैसे आता, पानी नहीं तेल है, पर हम देख नहीं सकते कि मूंगफली के अंदर तेल है, हम नहीं देख सकते कि लकड़े के अंदर अग्नि है, और हम दूध में के अंदर घी नहीं देख सकते, या गन्ने के अंदर जूस नहीं दे सकते हमारे इस नेत्रों से, तो हमें एक प्रोसेस चाहिए उसको देखने के लिए, विधि होती कि हम इसको देख सकते हैं कि उसमें हमें क्या करना होगा, उसको निकालना, उसको जानना होगा, जिसकी बुद्धि विकसित है वो देख सकता है, वो बताएगी कि हाँ नहीं एक्चुअली ये क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि इसके अंदर तेल है, और ये सुगंध की बात है क्योंकि सुगंध जो है फूल के अंदर, तो इसी प्रकार से भगवान यहाँ पे हमें बता रहे हैं, भगवान हमें ज्ञान दे रहे, क्योंकि हम नहीं अपने बल से हम नहीं समझ सकते, तो भगवान जो ज्ञान दे रहे वो पूर्ण ज्ञान है, वे जानते हैं, और भगवान कहते हैं ये सब जानने के लिए एक ही रास्ता है, तो दूसरे शब्दों में जो भक्ति योग योगी है वे ये समझ सकती है कि किस प्रकार से सब कुछ घटित होता है, सब कुछ हम भक्ति योग
इसीलिए भगवान कहते हैं सभी योगी होंगे। योगी नाम अभी सर्वेशा मत गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते न समय युक्त। और समस्त योगियों में से जो योगी श्रद्धापूर्वक मेरी मेरा परायण है, अपनी अंतकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेम भक्ति करता है, वह योगी में मुझसे परम अंतरंग रूप में रहता है और सभी में से सर्वोच्च समय युक्ततम मत। ये मेरा मत है, भगवान का मत है। कितने भी योगी होने दो, लेकिन सभी योगियों में से योगी ना अभी सर्वेशां मत गतेनंतरात्मना, वही इस भक्ति योग समस्त योग पद्धति सर्वोच्च। भक्ति करने से हम सब कुछ जान सकते हैं। दूसरे योग जो योग के जो रास्ते हैं उसमें ये जरूरी नहीं है कि हम इस साक्षात्कार प्राप्त कर सकते। श्रीमद् भगवद गीता की तो आज हम श्लोक संख्या 11 पढ़ चुके हैं। श्लोक संख्या 1 से 6 तक हम किस प्रकार से भगवत धाम वापस जा सकते बताया गया। आध्यात्मिक जगत क्या है, भौतिक जगत क्या है और कैसे हम वहां पहुंच सकते हैं। और श्लोक संख्या 7 से 11 तक इस प्रकार से हम ये आत्मा का जो यात्रा है, एक शरीर से दूसरे शरीर का वर्णन किया गया। अब आगे सूक्त संख्या 12 से 15 तक वर्णन किया जाएगा कि किस प्रकार से भगवान ने सब कुछ इस सृष्टि का किस प्रकार से पालन करते हैं और पालनहार और अंत में ये योग पुरुषोत्तम योग या भक्ति योग की पूर्णता का वर्णन किया। तो अभी